हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईफोन 12 और आईफोन 13 में 5G कब चलेगा। मेरे पास भी आईफोन 13 है, आईफोन 12 प्रो भी है, जिसमें मैं कल ट्राई कर रहा था आईफोन जब अपना 5G जो है चलाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या इशू आ रहा था। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो है फ़ोन तो 5G है, लेकिन जो है 5G का सपोर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए आपके आईफोन में वो अभी नहीं है। तो यहाँ पे ये कब तक आएगा, क्या कुछ होगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी काम की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आईफोन 12 दो साल पहले आया था और उस टाइम पे एप्पल ने 5G बोल के जो है उसको बेचा था। आज के टाइम पे जो है आईफोन जो 14 लॉन्च हुआ है उसमें सैटेलाइट बोल के बेचा है। मतलब उनका फीचर है, फीचर सारे काम के होते हैं, बट हमारे देश में कब लागू हो रहे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। फिर दो साल बाद 5G आ रहा है, तो 5G बहुत अच्छा चलने वाला है हमारे आईफोन 12 में, आईफोन 13 में, उसकी आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। बाकी यहाँ पे अभी 5G जो है पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है कि सभी जो है पूरे देश में सभी लोग यूज़ कर सके, बट 5G धीरे धीरे मिलेगा। और अभी कुछ एंड्रॉयड फ़ोन में जो है ये 5G लोग चला पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से ही उनको कंपनी ने दे दिया है। हमारे पास क्या है कि अभी तक एप्पल ने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिया हमारे आईफोन्स में जो वो 5G को सपोर्ट कर सके। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अदर कंट्रीज़ की नहीं। तो बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि जो है iOS 16.2 तक जो है स्टेबल अपडेट जो आएगा अभी 1 से 1.5 महीने के बीच में, तब इतना टाइम मैंने ज़्यादा बोल दिया, हो सकता है जल्दी 2 से 3 हफ्ते के बीच में हम लोगों को देखने को मिल जाए। जैसे कोई iOS 16 का कोई स्टेबल अच्छा अपडेट आएगा, जैसे iOS 16.2 हो गया या फिर iOS 16.1.1 हो गया, यानी कि जो iOS 16.1 अभी आने वाला है मुश्किल से 1 हफ्ते के बीच में जो है हम लोगों को देखने को मिल सकता है शायद। उसके बाद कोई भी अपडेट आएगा उसमें जो है आपको 5G का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए कि मेरा आईफोन जो है आपने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, अमेजोन से ख़रीदा है, किसी बंदे से ख़रीदा है, तो आपके फ़ोन में 5G नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मेरे किसी भी आईफोन में भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है हमारे आईफोन्स में वो अभी अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से 5G हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम दीजिए जो है 5G को फैलने दीजिए, और अच्छे से स्टेबल जब अपडेट आएगा हमारे आईफोन्स के लिए तब अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और ये जो अभी कुछ एंड्रॉयड यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उनसे तो काफ़ी बेहतर ही हम लोग अपने आईफोन में जो है वो यूज़ कर पाएंगे। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कोई अपडेट आता है उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। सो मिलते हैं गाइस आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।